तो दोस्तों आपके सामने विनर आ चुका है बिग बॉस सेवनटीन का विनर दी मुनवर फारूकी बन चुके विनर कैसा आपको लग रहा है आप मुनवर तो नहीं लेकिन आपको कैसा लग रहा है मतलब <laughs> वही चीज़ है जो कि प्रडिक्टेड था ठीक है और आ, ये क्या शुरू से सलमान भाई प्रडिक्टड था लेकिन थोड़ी सी इसमें बात ऐसी थी कि लग रहा था कि यार कोई दो नंबर ही हो सकती है लेकिन नहीं हुई अच्छी बात मैंने ये आपको बोला था अगर याद हो कि जब बिग बॉस चल रहा था मैंने बोला अगर वोटिंग पे जाते हैं ना और फिनले तक पहुँच जाता है ठीक है तो तो ऑब्वियसली वन साइडेड है अब अगर अगर उसको गेम में जैसे अनुराग को निकाला था और या फिर यह कि ऐश्वर्या को निकाला अगर उस टाइप भी उसके साथ कोई सीन करते हैं ठीक है तो चांसेस हैं कि भाई चलो निकल जाए लेकिन वोटिंग बेसिस पे आओ तो भाई ऑब्वियसली उसके वोट्स हैं ज्यादा अभी भी यह है कि मैं ख्याल से मेजोरिटी से वो जीता है हाँ तो उसमें तो कोई ऑब्वियसली हरा सकते ही था मतलब ये फिनाले शुरू हुआ था फिनाले में पहुंचा तो भाई क्लियर हो गया था कि भाई अब तो कोई रास्ता है ही नहीं और दूसरा विनर है ही नहीं क्योंकि जितनी फैन फॉलोइंग दिख रही थी जितना मतलब नॉट जस्ट फैन फॉलोइंग होता है ना कि सिर्फ फैन फॉलोइंग है बस पीआर कंपनी जो है पीछे काम कर रही है आपकी रीच बढ़ा रही है आपने खुद कुछ नहीं कर रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था खुद की जर्नी बड़ी बेहतरीन थी बिल्कुल एक ऐसा बंदा था जो जिसने डाउनफॉल भी देखे जिसने अपना राइज भी देखा और अब बहुत ही एक मीडियम लेवल पर जाते हुए इसने ये विन किया इतनी मसलों के साथ मतलब उसकी जर्नी ऐसी थी कि एक इंटरव्यू आ रहा था जो बिग बॉस के जो आवाज़ है ना उनका इंटरव्यू आ रहा था तो वो कहते हैं यार वो भी इतना इंस्पायर्ड है अच्छा उसकी जो वाली बात थी मनवर की जो मनारा से कहता है अगर आपको याद हो कि वो कहता है कि दो लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना एक जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी तारीफ करे और तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे दुश्मन की बुराई वो कहते हैं यार मुझे इतनी हो लगी ना उसकी बात ये वो तो मतलब ऐसी ऐसी तो ये, ये है है। देखें तो देखें, वो की पे काम करता था गुर्बत थी जो मसले मसायल थे स्ट्रगल थी कहाँ से कहाँ पहुंचा है, तो जिंदगी ने उसको बहुत सिखाया उसकी टीचर है जिंदगी सिखाया ये कि जो उसका हुनर है उसकी स्किल है ठीक है वो है ही उसकी जो स्टैंड है जो सॉन्ग्स लिखता है जो कि हर चीज करता है उसकी है ही ये शायरी वगैरह खिलाड़ी

लेकिन ये था कि अंकित हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ओ, वो इतना आ जाएगा लेकिन ये कि वोटिंग अगर देखी जाए तो ओवरऑल उसको वोट्स कम आ रहे थे जो आखिर में उसकी पूरी जर्नी एक हो गई थी नेगेटिव चली गई थी लेकिन ये कि मुझे लगा था टॉप थ्री में शायद हो सलमान भाई भी बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे लग रहा था कि विनर हो ही है और यह कि बड़े शौक हुए उसकी एविक्शन पे भी उसका मेरे ख्याल से एक तो जो पूरी जर्नी विक्की के अराउंड घूमी थी ना वो बहुत ही उसका गेम उसका ख़राब हो चुका था जो सब कह रहे थे भाई तुम अंकिता लोखंडे, लोखंडे हो तुम अनकता लोखंडे हो तुम हमारी इंडिविजुअलिटी नजर आनी चाहिए लेकिन वो कहीं ना कहीं विक्की के अराउंड उसकी दुनिया घूम गई विक्की क्या कर रहा है क्यों कर रहा है ऐसे क्यों बात कर रहा है ये क्यों कर रहा है तो आप कहीं रह गए उसकी रिश्ते जेनविन होते थे दिल से बनाती थी है चीज़ ये नहीं कि यार उसके रिश्ते फेक थे या वो गेम खेल रही थी वो जेनुन थे वो बंदी ऐसी है जो कि दिल से बनाती है लेकिन उसके अलावा जो था ना वो जो गेम प्ले एक था वो एक मिसिंग था जो कि जिसकी वजह से कहते हैं मेखल से वैक्ट की चीज़ सारी क्योंकि okay, विकी के अराउंड जैसे आपने बोला कि अभी विकी के अराउंड ही घूमना फिरना और उसी से पट्टा के भाई तू नहीं है तू नहीं है तो नहीं है विकी का भी ख़राब हुआ इसका भी खराब हुआ और इन इंडिया एंड फोर्थ पोजिशन पर बिल्कुल ऐसा ही अच्छा ये भी लग रहा था कि जिस तरह से यू you नो know, जर्नी की वीडियोस दिखाई गई जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिस तरीके से वो एक जर्नलिस्ट आए थे और वो बाहरी खबरें दे रहे थे हमारी दो एपिसोड आपने नहीं देखे होंगे क्योंकि हमने किए ही नहीं है लेकिन उसके बाद भी थोड़ी बहुत हम कर लेते हैं तो उसमें ये लग रहा था कि एक सेफ पैसेज एक पॉजिटिव पैसेज एक क्लीन चिट दी जा रही है अंकिता को और विकी को थोड़ा सा नेगेटिव दिखाया जा रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर मेकर्स ने थोड़ी हेल्प की अंकिता की कि भाई तुम जब बाहर जाओ तो तुम थोड़ी अच्छी दिखो लेकिन जो जो जर्नलिस्ट आए थे मेरे ख्याल से क्या नाम था उनका वो तो अंकिता की अगेंस्ट ही चीज हाँ, कर रहे थे, बहुत हाँ, कर रहे तो वो थे लेकिन तो हाँ, चीज नहीं मेरे ख्याल से विकी को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे जर्नी वीडियो देखी जाए या पुरानी चीजें देखी जाए ना तो उसमें ऐसा लगता है विकी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है जबकि था नहीं ऐसा हम भी ये देखते विकी को किस तरह से दिखाया जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अंकिता की जर्नी में अंकिता को नेगेटिव तो नहीं दिखाएंगे ये बात भी है कि विकी को नेगेटिव भी ना दिखाते उनकी जर्नी आपस में दिखाते लेकिन ये अनकेता को नेगेटिव ऑब्वियसली नहीं दिखाएंगे जर्नी में बाकी बायस वाली चीज़ ऐस मुझे नहीं लगता नहीं। जो मीडिया वाला भी लोग कहते थे कि वाइट लेस उसको वाइट वॉश किया है चीज़ वो चीज़ नहीं थी जो सवाल थे वो जो ऑब्वियसली मीडिया के जनवन सवाल मीडिया को फेक तो नहीं कराया अब ये जो विनर बना है नव्वर और बाकी लोग जो आए हैं रैंकिंग से उससे यह तो जाता है कि भाई वो जो गेमिंग की लोग बात हैं कि फेक होता है बायसनेस ऐसी होती है कि वोटिंग मैटर नहीं करती है तो वो चीज़ प्रूव हो जाती है कि यार जो चीज़ दिख रही थी वो नहीं है अब अगर ये चीज़ ना होती तो हम कहते हैं कि यार इसे तो बीच में खबर आ रही थी कि अरुण भाई शायद जीत जाए ये है हाँ एक सरप्राइज़ मिलेगा सबको कि भाई अरुण भाई जीतने वाले हैं आपके जो एस्ट्रोलॉजर आए थे उन्होंने भी प्रोडिक्शन दी थी कि एक ने की थी अरुण या अंकिता ठीक है और दूसरे जो थे उन्होंने बोला था कि अरुण या फिर यह के आ, नहीं अंकिता या फिर यह कि अभिषेक मनावर के बीच में तो मेरे ख्याल से अंकिता को ज़्यादा वो एस्ट्रोलॉजर भी फेवर कर रहे थे अरुण को भी किया था लेकिन यह कि वोटिंग की जो बात आई तो फिर यह के मनावर को ही ज़्यादा मिले अच्छा ये जो जर्नलिस्ट आए हुए थे नाम जो भी हम दबंग दबंग कह रहे थे भी नहीं जो भी रहे अच्छा वो मुझे जर्नलिस्ट से ज्यादा थोड़े लॉयर नजर आए वो दलीलें इस तरीके से या पास्ट की चीज़ें निकाल रहे थे जैसे अंकिता वाले में मुझे थोड़ा सा लगा कि यार तुम ये बात क्यों ला रहे हो कि अंकिता मतलब बिग बॉस से पहले की बात वो बता रहे थे कि तुमने और विकी ने जो गैप लिया था एक साल का और उसमें क्या हुआ था तो भाई वो तो बिग बॉस से बाहर की बात है उसको आप कैसे बिग बॉस में ला सकते हो दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल अंकिता ने फिर भी जवाब दिया उसका और ये जो आया होता जर्नलिस्ट बहुत लोगों पे जो है ना वो सही इसने समझ लो तमाचे वमाचे लगाए हैं बिल्कुल सबको ऐसी ऐसी बातें की हैं कुछ लोग जो हैं वो डट के खेल गए उसके सामने और कुछ लोग नहीं कर पाए जैसे मनारा के केस में जो है पूजा भट्ट आई हुई थी पूजा भट्ट ने जो दलीलें दी हैं जो बड़ी बड़ी बातें की हैं तो बेचारे जर्नलिस्ट साहब को कुछ बोलने का मौका नहीं मिला तो मनारा इस चक्कर में बच गई अभिषेक के मामले में जो है वो अभिषेक जो है ना वो थोड़ा सा डर गया था ठीक है ना वो सभी डरे हुए थे वैसे तो हाँ भविष्य कुछ ज़्यादा ही टेंशन में आ गया था उसकी जबान लड़खड़ा रही थी वो क्या कह रहा था वो समझ नहीं आ रहा था तो जर्नलिस्ट था ऐसा भाई लेकिन ये था कि जो पास कर गए उन्होंने पास कर लिया जो फंस गए वो बुरी तरह फंसे मुझे पूजा भट्ट की वाली बात अच्छी लगी थी कि यार मतलब अच्छी क्या लगी थी मुझे लगा कि यार सही बात है कि वो कह रहे हैं कि भाई किसको भी जो घर वाले थे किसी हाँ। को भी किसने मोरल राइट दिया कि भाई ये पंचायत लगा हाँ। के बैठे हैं और ये चीज करें सब जो सभा जो वो बाहर करता है मुनवर उसका इससे क्या लिंक करके उससे क्या लिंक लिंक ही हाँ। नहीं है कोई बाहर जो भी करे इंसान इनडायरेक्टली तमाचा था बिग बॉस की इस, इस हाँ, स्ट्रेटेजी को कि भाई तुम हाँ, बाहर के मसले घर के अंदर क्यों लेके हाँ, आ रहे हो और हाँ, क्यों पूरी मीटिंग बैठ रही है लोग जमा हो रहे हैं तमाशा किस बात हाँ, का लग रहा हाँ, है ये और सब जितने भी हाँ, लोग आए थे ना सबकी एक ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई दुनिया जाए बाढ़ में दुनिया का मत सोचो तुमने गलती कर ली तुमने माफी मांग ली तुमसे ये मसला हो गया तुमने एग्री कर लिया तुमने एडमिट कर लिया बस आगे मूव ऑन ज्यादातर जितने भी गेस्ट आए हुए थे सबने यही बोला कि भाई डरो मत मुझे मनारा वाले पे थोड़ा सा लगा था कि वो जो जर्नलिस्ट थे कि वो थोड़ा सा हल्का है उन्होंने हाथ रखा हुआ पूजा भट्ट बोलने ही नहीं देरी वही तो कह लेकिन वो बाद में आई ना वो तो बाद में बुलाया उससे पहले भी वो इतना उन्होंने हल्का हाथ रखा हुआ था पूजा भाटी पूरी उन्होंने अच्छा मुनावर का कुछ नहीं मिला तो कह रहे हैं कि आप ये बहुत सीरियस बात हुई है स्माइल क्यों कर रहे हैं क्या बात हुई भाई ये वैसे बात सही है अब बात, की बाद भी सही उसका उसका है ना, निकल उसका है ना उन्होंने यही कंफर्म किया ना कि भाई ये क्या चक्कर है मतलब आ, इतनी सीरियस बात है तुम कहते हो तुम्हें हर्ट भी है तुम्हें रिग्रेट भी है तुम प्राउड नहीं हो और फिर भी तुम इस उसकी उसकी बात किया है स्माइल करके तुम दे रहे हो तो कहीं कहीं लगता है कि तुम सीरियस नहीं हो इस मामले में मतलब मजाक में टाल रहे हो चीज तो वो बात उनकी सही थी दिखने में ऐसा लगता है लेकिन भाई के मुस्कुरा मेरी आदत है मुस्कुरा के बात करने की निकल आती मुझे भी नहीं पता होता कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो दोनों की गलती नहीं है भाई दोनों क्या कर सकते हैं ये बात है बाकी ये कि अभिषेक वाले से थोड़ा सा सब हैरान हुए थे कि वो अभी भी ईशा को आइडियल गर्लफ्रेंड कहते हैं तो है ना अभी भी आपको याद है वो बेड पे बैठा हुआ उसका पता नहीं कूपन सा था कुछ था उसके, उसके कैचर जब निशानियाँ जमा निशानिया कर अभिषेक अभी भी और बातें अभी भी हो रही होती है उसकी सारी उसके दिल से जाती नहीं जाएगी वो प्यार मोहब्बत ऐसी थी उनकी दोनों की कि नहीं जा रही तो क्या करें एक आपस की बात यह कि खानजादी और अनुराग नहीं आए खानजादी को बुलाया नहीं गया अनुराग को बुलाया गया वो आए नहीं ऐसा सुनने में आया खानजादी शायद अनुराग को श... सलमान खान ने मना कर दिया था बुलाया होगा पता नहीं ये खबर आई कि क्योंकि सलमान खान नहीं। ने मना कर दिया कि भाई खानजादी मुझे नहीं चाहिए किसी भी कलर के प्लेटफॉर्म पर क्योंकि एक बहुत ही बदतमीजी हुई थी याद होगा कि वो रो के चली गई थी सलमान खान जब खड़े हुए थे तो मसला आपको याद आया होगा तो उसमें ये कहा जा रहा है सलमान खान ने कहा खानजादी नहीं आती और अनुराग का अपना अलग ईगो है लोगों का तो भी ये कहना है की बिग बॉस ग्रैंड फिनाले ग्रे को सर्कस तो है नही अनुराग जोकर को बुलाएंगे तो इस टाइप के कुछ लोग कर रहे थे कुछ लोग इस तरीके से उनपे मीम्स बना रहे थे तो फैंस फैंस की बात होती है कुछ लोगों को बुरा लगा कि भाई अनुराग के साथ ये जो हुआ है गलत हुआ है कुछ लोगों खानजादी के सपोर्टर्स हैं उनको बुरा लगा होगा कि भाई क्यों नहीं बुलाया जा रहा है खानजादी को। और कमी महसूस हो रही थी दोनों की कहीं ना कहीं नहीं लेकिन ओवरऑल जो था था मेरे से जैसे प्लान किया गया तो पाँच कुछ घंटे का का भाई पूरा वो शो था कृष्णा सुदेश सारे एक नंबर के बुलाए हुए थे लोग उन्होंने कृष्णा सुदेश और भारतीय हर्ष और आपके वो भी अब्दू अब्दू

अच्छी चीज है कि जितने कंटेस्टेंट बहुत सारे ऐसे थे कि जो मसले मसाइल साइड में रख के इंजॉय करने आए थे कुछ लोग थोड़ा सा दिल में रख के बैठे थे अभी भी। आ, वो नील जैसे उनका चमार्ट, यार अच्छा चिल माहौल है चिल करो ये तो होता रहेगा दिल पे लग गई ना एक बार वो बस बैठ गया है पार्टी में तो नहीं बुलाना नील ऐश्वर्या का मुझे लग रहा है

ऐसा देख के जो ना बैठी हुई थी जब तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कुछ गड़बड़ है <laughs> उनकी ड्रेसिंग है खैर मर्जी उनकी मैं नहीं कह सकता कि वो अपनी एज के हिसाब से बहुत यंग ड्रेसिंग <laughs> उन्होंने की है लेकिन अच्छी ग्रेसफुल लग रही थी तो नहीं रही थी। वो सब नहीं। उनका जो कौन सा गाना था आखिरी बार जो शौक किया था वो किया था जो डांस हुआ था गाना गाना वही दोहराने कोशिश कर रहा हूँ रफ्ता रफ्ता से देखो आंख में ही लड़ी है खान शौक हुए थे जब आखिरी बार बिग बॉस से निकल मेरे ख्याल से उसी दिन निकली थी वो तो तभी शॉक करके निकली आई तो भी शॉक करके आई तो बड़ा शॉकिंग चल रहा है उनका तो शॉक तो किसी और बिल्कुल नए रंग और रूप में और नए एकदम अवतार में नजर आ रही है वो तो थोड़ा थो सा शॉकिंग होता है हम सबके लिए लेकिन हमने बोला ओके सही अच्छी लग रही है लेकिन एनर्जी बहुत है भाई रिंकू जी में जो मानना पड़ेगा और मुझे लग रहा है डांस दीवाने में जो है ना वो अपने कदम जमा सकती है अगर वो ट्राई करे तो उनको लाना चाहिए जे बात है बाकी ये कि वो हमने देखा कि एक और असीन चेहरा आया हुआ था आपकी फेवरेट मनस्वी नहीं मतलब नहीं, बाकी सबकी बात कर रहे अच्छा, हैं सब लोग आए सब लोग आए हुए थे अच्छे लोग आए हुए थे अच्छा च्छा, लगा सबको दोबारा देख के हाँ अच्छा परफॉर्म किया सबने का भाई फिर एक चल रहे थे हर जगह पे और जोक्स मार रहे थे क्रैक कर रहे थे लेकिन वही जाया जा रहे थे उनके जोक सारे least, इस बार आके किया तो उन्होंने पहले तो <laughs> <laughs> मुझे लगा अभी भी जाके अरुण जाएंगे बैठो घंटे का लेट हैं वैसे बैठे बैठे बातें करेंगे <laughs> लेट जाते हैं तो उनका अलग चल रहा था लेकिन ये कि ओवरऑल अच्छा था मुझे लगा जो एंड में सेलिब्रेशन थी जब मुनवर का नाम डिविल किया वो मुझे लगा थोड़ी सी बहुत फीकी सी थी ठंडा भाई थे वेक पटाखा फटा खत्म और नाम भी जो लिया अजीब सा वो था मैंने कहा यार कोई एक्साइटमेंट नहीं मुझे लगा था कुछ वो जब ब्लास्ट होते ना कनफी उड़ी

पता नहीं क्यों ऐसा क्यों किया बिग बॉस ने इतना पैसा लगाया टास्क पे एक्टिविटी रूम में नए नए आप सेट बनाते थे इतना खर्चा सेट पे कर लिया थोड़ा सा ग्रैंड फिनाले पे थोड़ा कुछ करते ना वो हाइप क्रिएट करते वो सेंसिटाइज करते पूरे चीज़ों को तो मज़ा मतलब शो के अंदर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ तो वो तो अजीब सीन हो गया अभिषेक का अभिषेक अब तो छोड़ दो अभिषेक में सुधार आ गया मेरे ख्याल से अब जाने चल हो गया या अभिषेक यार मुझे लगता है अभिषेक की शायद ये स्ट्रैटेजी थी कि इतना हाइपर होके टॉप फाइव तक पहुँचा यही होती, हो, होती है, ये होती है और के, के, के बाद ठंडे हो जाए शुरू में सबका दिख ले रहे हैं जो ईशावलिन और ये सारे जो पीछे रहे हैं जिनके वो कहते थे कि यार उनका, उनका उनकी जर्नी अच्छी लगी है उनको फॉलो करता है उन सबका ये रहा है कि एग्रेसिव नेचर लड़ना लड़ना हर चीज़ में घुसना हर मद्दे पे चीखना लड़ना और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाना वो रिडेम्पशन जो होती है वो सुधारिएटेट सुधार हाँ। किया उसने पूरा और मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी काम कर लिया अभिषेक की करती तो। है ये आप देखें इससे कि जो भी लोग होते हैं ना वो लोगों को पसंद भी आते हैं वो जो आपका हीरो है ना एग्रेसिव हीरो एंगर वाला इशूज़ वाला तो वो सबको पसंद आ रहा होता है फिर लोग वोट भी करते हैं पहले इतने अभिषेक को वोट नहीं हुआ करते लेकिन इन दी एंड जिस तरीके से उसको भी वोट मिल रहे थे वो भी एक ट्राफिक चेंज था बिल्कुल बाकी डांस परफॉर्मेंस भी सबकी हुई और सबके एकदम मेरे ख्याल से एक वीक ये जो लास्ट वीक था सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग पांचों के लिए गुजरा होगा खाना वाना भी ख्याल से बड़े इनको बाहर से मिले हैं और, और आखिरी वीक में ही होता है वही ना कि आपने रिहर्सल्स भी करनी है परफॉर्मेंसेस की और पता नहीं क्या क्या करना है स्क्रिप्ट तैयार करनी है और हर चीज है तो लास्ट के मेरे ख्याल से हफ्ता जो था वीक के अंदर कोई घर वाली एक्टिविटीज नहीं दिखा रहे होते घर में ये लोग कर रहे हैं दिखा ले रहे पाँच दस मिनट का बाकी एक्टिविटीज ही हो रही होती है कभी रोहित शेट्टी आ जाते हैं कभी आ जाते हैं कभी क्या कहते हैं मीडिया आ जाता है कभी कुछ हो जाता है तो ये वाला चक्कर ही था वैसे जब लोग अभिषेक और मुनवर सिर्फ घर में रह गए थे और फिर घर से बिग बॉस ने लास्ट एक अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दिया हो बड़े इमोशनल हुए दोनों और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार सिर्फ उनकी जर्नी ऐड नहीं हो रही हमने जो पूरा अक्टूबर से एक शुरू किया था जो बात है एक कब से शुरू किया पंद्रह अक्टूबर से हमने शुरू किया था और उसमें मेरे ख्याल से कोशिश कि कि ये की नाइन्ट नाइन्टी नाइन परसेंट हम आप रिव्यूज़ लाए तीन कुछ वो भी कुछ एमरजेंसी थी जिसकी वजह से हम रिव्यूज नहीं दे पाए लेकिन यार कल कुछ भी नहीं है शाहरुख हाँ। <laughs> कल क्या है हाँ, कल कुछ तो बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा चेंज होगा कि भाई जो जर्नी जो आदत जो आप लोग के कमेंट्स आ रहे होते हैं आप लोग के व्यूज आ रहे होते हैं रात रात भर के जो है वो वो लोगों के आ रहे होते हैं कि वीडियो एक दिन नया आ रहा है तो वीडियो का है वीडियो का है और जिससे तरीके लोग अपना फीडबैक दे रहे होते हैं हमारा फीडबैक सुन रहे होते हैं एग्री कर रहे होते हैं डिसएग्री कर रहे होते हैं वो भी एक बड़ा अच्छा जो है ना क्रिएट करता है एक फैमिली बनी हाँ। है हमारी सबकी यार और वो कल कुछ भी नहीं होगा एकदम से सन्नाटा होगा चैनल पर तो सन्नाटा वैसे होना नहीं चाहिए कुछ नया लाना पड़ेगा इनके लिए अभी ये कि हम लोगों के भी चीज़ें कुछ चल चली थी इसके से हम लोग भी बिजी थे वो भी शॉर्ट होती हैं तो फिर हम ये कि इनशाला आपसी चीजें लेकर आएंगे कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं कुछ रहे है। प्लान करते हैं ताकि बैक टू बैक जितनी भी हमारी ऑडियंस है जो हम लोग को देखना चाहती है जो सुनना चाहती है तो उनको डोज डेली के तौर पे मिलता रहे बिल्कुल पूरी कोशिश जारी रहेगी और ये कि आप सो से यही गुजारिश है कि आप लोग अपना साथ बनाए रखें बिल्कुल कॉन्टेंट हमारा फॉलो करते रहें चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें ताकि कोई और नया भी कॉन्टेंट आता है कोई और नया शो आता है उसके रिव्यूज आते हैं उसकी डिस्कशन होती है तो उसका भी आप पार्ट बने अपना फीडबैक दें कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं क्या नहीं करें तो है कि साथ रहेगा फिर और साथ में मेरे और शाहरुख की तरफ से माजरत अगर कभी किसी का दिल दुख हुआ हो क्योंकि आपको भी कोई कैरेक्टर पसंद होता है हमें भी पसंद अली साहिल भाई, है। एक पसंद नहीं अली साहिल कहते न, मेरा नाम लीजिए मेरा ना। कॉमेंट रीड नहीं करते आज नाम ही ले लिया नाम ले लिया कामेंट मुझे आपको याद नहीं आ रहा बस ये याद आ रहा है आपने कॉमेंट किया था कि आप मेरा कामेंट नहीं पढ़ते तो बस वो जितने भी लोग हैं जिनको कोई भी हमसे गिला शिकवा है तो बड़ा दिल रख के माफ करें और लेट्स होप फॉर द बेस्ट नया भी है कि मेरे भी आता है अगर आता है तो वो भी होगा खतरों के खिलाड़ी आने वाला है स्प्लिट्स तो है बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तानी कंटेंट भी है इंडियन कंटेंट भी है कुछ करेंगे जो जो चीज़ मिली वो करेंगे फिल्म रिव्यूज़ भी हैं रिएक्शन रिव्यूज़ भी हैं वीडियोस भी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ ना कुछ कंटेंट नहीं रुकेगा बिल्कुल तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू और बिग बॉस सेवेंटीन का ग्रैंड फिनाले का लास्ट रिव्यू यहाँ पर हमारी प्ले लिस्ट को हम एंड करते हैं कल आपसे शायद मुलाकात हो या ना हो वी डोंट नो लेकिन बड़ी बेहतरीन जर्नी रही तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें बाय बाय